असल आप देख रहे हैं मबैशल रखमान यूट्यूब चैनल मेरा नाम मुबेशान है और आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें मैं कॉन्स्पेसी थ्योरी नहीं डिस्कस कर रहा बट मैं एक्चुअल फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ जिस कुछ लोगों के लिए शायद वो कॉन्सप्रेसी हो कि क्या कोई ऐसा फ्रीक ऑफ नेचर या फ्रीक ऑफ अमेरिकन इलेक्शंस कुछ ऐसा वाक़ा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो जाए इस वक्त मैं आपको उसके बताऊंगा कि ट्रंप किस चीज़ पर बेस कर रहे हैं एंड वाई इज़ स्टिल होपफुल that Donald Trump can retain being the president of the United States. प्रेजिडेंट बनने के बाद जो बाइडन का सबसे पहला फैसला क्या होगा सबसे पहले वो क्या करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट के वबा का मुकाबला है मुसलमानों के साथ डिफरेंट डील करनी है मीशत की बहाली है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है या नस्ली इम्तियाज को खत्म करना है इन सारी चीज़ों में जो बाइडन ने दुनिया को अपनी स्पीच में बड़ा इंपॉर्टेंट एक पैगाम दे दिया वो कहीं हम मिस तो नहीं कर रहे बट उसके मिडल ईस्ट में क्या असरात हो सकते हैं सऊदी अरेबिया का बुरा वक्त शुरू होने वाला है क्या एम बी एस मोहम्मद बिन सलमान अब कभी बादशाह बन पाएंगे कि नहीं क्योंकि तो अभी तक किंग सलमान ने उनको बादशाह नहीं बनाया था तो अब उनके लिए कितना आसान या मुश्किल है अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते उनकी पे और जेरेड क्रिश्नर अपना वज़न नहीं डाल रहे होते इसराइली लॉबी अगर उनको उस तरह से हेल्प नहीं कर सकती तो एम का क्या फ्यूचर है बटा क्या बताऊं कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि ट्रंप ने बाइडन से हारने के बावजूद अपनी हार तस्लीम नहीं की बल्कि वो कहते हैं मैं जीत गया हूँ और उन्होंने अलग से जीत की डिक्लेरेशन कर दी है ऐलान कर दिया ट्वीट भी कर दिया और अपने तमाम हामियों को बता दिया और अमेरिका की कई रियासतों में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो हैं वो आमने सामने आके खड़े हो गए हैं और कहीं पे तोड़फोड़ भी हुई है कहीं मारा मारी भी हो रही है और वॉशिंगटन डी सी के अंदर तो बड़े हालात नरम हैं जहाँ पर ब्लैक लाइफ मैटर वाले जो हैं, उन्होंने मुसलसल मुजाहरे शुरू कर दिए हैं डोनल्ड ट्रम्प क्या कह रहे हैं डोनल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि जी वो इलेक्शन से पहले ही मेल पोस्टल वोट के ऊपर शोर बजा रहे थे और डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना है कि कोविड नाइन्टीन एग्जिस्ट नहीं करता कोविड नाइन्टीन क्रिएट इसलिए किया गया कि मेल बैलेट हो और मुझे हराया जाए उस तरह मेल के जरिए अभी एक बड़ी फार फेस्ट हो रही है उस मुल्क के लिए जहाँ ढाई लाख के करीब लोग कोविड नाइन्टीन से मर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि कोविड का कोई अमल दखल नहीं है और ये मेल ऑर्डर में अब मेल में उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो कहते हैं जी 2016 के इलेक्शन में मेल वोट जो था वो 25 परसेंट था और 2018 में ये 27.4 परसेंट था जबकि 2020 में ये 50 परसेंट से ज़्यादा मेल के जरिए जो है ना पोस्टल वोट वो आया जो बाइडन के हामी जो हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल समझ में आती है बात लोगों ने नहीं घर से बाहर निकलना था जब मिलियंस मिलियंस को वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया और लाखों जो हैं वो मर गए उस इन्फेक्शन की वजह से तो हर एक पागल तो नहीं है कि वो पोलिंग बूथ में जाएगा और वो वहाँ लाइन में खड़ा होगा और वो वहाँ वोट डालेगा और इन्फेक्शन कैरी करने का को बहाना मिलेगा कुछ सर्फिस को हाथ लगेगा किसी दरवाज़ा खोलेगा कुछ करेगा तो किसी तरह भी इन्फेक्शन जो है वो कैरी कर सकता है तो इसलिए बिल्कुल सही वोट पड़े ट्रंप इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं अब वो इसकी एक कानूनी हैसियत चैलेंज कर रहे हैं और वो किस तरह से कि सात स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रम्प का मुतालबा है कि सात स्टेट्स में पोलिंग जो है वो वक्त से ज़्यादा की गई यानी जैसा हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जी पाँच बजे कट ऑफ टाइम था लेकिन रात को ग्यारह बजे तक पोलिंग करते रहे तो वो रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि जो इलेक्शन उसके हाथे में अंदर आ गया बूथ के उसको हम वोट डालने दे रहे हैं लेकिन पाँच बजे के बाद हमने बाहर से नहीं किसी को अंदर आने दिया तो डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि जैसे पेंसिल्वेनिया की एग्जाम्पल है कि तीन तारीख का पोस्टल बैलेट जो है वो छः तारीख को क्यों काउंट हो रहा है वो तीन तक उसको कट ऑफ होना चाहिए था यानी या तो वो पोस्ट में तीन तारीख तक पहुंच जाता वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास अब अगर वो पहुंचा छः को है या सात को है तो उसको क्यों काउंट किया जा रहा है वो डिस्काउंट होना चाहिए और इसके लिए वो समझते हैं कि उनका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है जैसे वो कहते हैं कि जी पेंसिलोवेनिया में जो बाइडन को तैंतीस लाख बासठ हजार वोट पड़े हैं उनमें से अस्सी फीसद जो है वो पोस्टल बैलेट था अब ट्रंप को पेंसिलवेनिया से तैंतीस लाख सोलह हजार वोट पड़े उसमें बीस फीसद जो है वो पोस्टल बैलेट था इस पर ट्रंप को बड़ी तकलीफ है और बड़ी उनको प्रॉब्लम हो रही है अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जिन वोट्स की गिनती की गई है वो नवम्बर थर्ड तक होने चाहिए थे जबकि नवंबर सिक्स तक उनको अकोमोडेट किया गया और उनका कहना है कि मेरे वोट जो थे वो नवंबर थर्ड तक आ गए थे और बाइडन के हक में जो वोट हैं वो नवंबर सिक्स तक आए हैं तो इसका मतलब है कि आपने जाली वोट डलवाए हैं और उनको आपने पोस्टल बैलेट के ज़रिए भेजा और वो फिर इस तरह से आ, मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुए अब यहाँ पर जब इन वोटों की गिनती करने की बात आ रही है तो अब वो ये मामला अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में अभी क्योंकि छः या सात स्टेट्स में वो चैलेंज कर रहे हैं और ये सारी वो स्टेट्स हैं जिनको स्विंग स्टेट्स हम कह रहे हैं कि जिनकी वोट काउंट इतनी है कि वो किसी को जिता सकते हैं किसी को हरा सकते हैं जैसे पेंसिल्वेनिया है जॉर्जिया है विस्कॉन्सिन है एरिजोना है नेवाडा है अब इन सारी स्टेट्स को वो चैलेंज करने जा रही हैं लोगों का ये ख्याल है कि छः जजेस में से चार ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया था अब वो डोनल्ड ट्रम्प ने जिनको पोस्ट करवाया है उनसे उनको सिर्फ़ अपने फेवर की उम्मीद है और अपने फेवर में आने वाले फ़ैसले की उम्मीद है इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से जो है 6 दिसंबर तक इसमें कोई ना कोई फैसला ले सकते हैं और ये फैसला उनको लगता है कि सिर्फ उनके हक में है अब देखना ये है कि जो बाइडन की लीगल टीम जो है वो इस चीज़ को कैसे फेसअप करती है जो बाइडन ने तो अपनी विक्ट्री स्पीच कर दी है उसमें तो कहते हैं उन्होंने होप दी है उन्होंने फेयरनेस की बात की उन्होंने जस्टिस की बात की उन्होंने इकानमी की बात की है उन्होंने इन्वायरमेंट की बात की है उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बात की है उन्होंने अमेरिका को दोबारा उसकी लॉस ग्लोरी दिलाने की बात की है और दुनिया को पैगाम दिया है कि अमेरिका अब लीड करेगा दुनिया को अब देखें जैसे कोविड नाइन्टीन की जो सारी वबा शुरू हुई उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बैक सीट पर था एंड यू एस डिड नाट लीड द वर्ल्ड टू फाइट दिस वायरस वो डब्ल्यू एच ओ अपनी ओन पर लगा रहा चाइना ख़ुद से लगा रहा इटली यू एू के पाकिस्तान काफ़ी मुल्क जो है ख़ुद से उसके वैक्सीन बनाने पर लग गए अमेरिका जो है उसको लीड नहीं कर रहा था वो क्या कर रहे थे डोनल्ड ट्रम्प उस ज़माने में कि कन इनकी गोलियाँ खा लो तो ठीक हो जाओगे ये कर लें तो ठीक हो जाएगा वो अदरक का फार्मूला जो फेसबुक पर आती है उस समय की बातें वो कर रहे थे कि ये कर लो तो कोविड नहीं होगा नहीं होगा अब यह है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन अब रवायती पॉलिसीज़ पे आए तो लगता ही है कि जो बाइडेन जो है एक ट्रडिशनल प्रेसिडेंट होंगे अमेरिका के और डोनल्ड ट्रंप की तरह नहीं है कि पूरे का पूरा स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो ट्विटर के ऊपर बैठा होता था कि आज प्रेजिडेंट ने क्या ट्वीट कर दी क्योंकि वही पॉलिसी होती थी, थी, थी उनकी सुबह जो बाइडन जो है एक मैथड के साथ चलेंगे यानी आठ साल तो वो नायब सदर रहे हैं आठ साल वो वाइट हाउस में रहे हैं पहले तो उनको सिस्टम्स का पता है लोगों का पता है उनको तरीक़ाकार का पता है और उनकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क के अंदर हुई तो जो बाइडन अनयूजअल काम नहीं करेंगे लेकिन जो करेंगे वो क्या करेंगे कि मिड ईस्ट की पॉलिसी को रिविजिट करेंगे और जे उन्होंने कह दिया ये मैं नहीं कह रहा ये जो बाइडन ने अपनी स्पीच में खुद कह दिया मोहम्मद बिन सलमान के लिए मुश्किलें बड़ी हैं क्योंकि जो बाइडन ने ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि जमाल खुशोगी को ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उसको डिसमेंबर किया गया यानी उसके आज़ा काटे गए और उस तरह से उसके साथ हुआ सऊदी एम्बसी के अंदर आ, टर्की के अंदर और उन्होंने कहा कि तमाम शवायद ये मिलते हैं कि क्राउन प्रिंस ने इसका ऑर्डर दिया था और फिर उन्होंने कहा कि अब हमें देखना है हमें रिविज़िट करनी है अपनी पॉलिसी के सऊदी अरेबिया को हमने कितने वेपन्स देने है। हैं अब ये सारी बातें जो है ये मोहम्मद बिन सलमान के लिए हसम नहीं हो होती एक इसराइली मिनिस्टर ने तो ये कह दिया है कि अगर जो बाइडन ने उतनी विगरसली ईरान को फॉलो नहीं किया प्रसू नहीं किया जितना ट्रम्प कर रहे थे तो फिर ईरान से उन्होंने जंग की धमकी दे दी है तो ये ऑलरेडी ख़ते में एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के एग्जिट से क्योंकि वो इसराइल की लॉबी को बहुत आगे कर रहे थे और मुस्लिम ममालिक वन बाय वन जो है वो उसको फॉलो कर रहे थे अब रवायती पॉलिसीज़ में तो मैं आपको बताऊंगा कि गल्फ़ में से सबसे ज़्यादा परेशान तो ऑब्वियसली सऊदी बादशाहत के लोग हैं सऊदी बादशाह खुद फरमा रवा और उनके वली अहद जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि अब मोहम्मद बिन सलमान हाउस ऑफ साउथ से नहीं है उनकी जो नॉमिनेशन एज किंग है वो ऑलरेडी प्रॉब्लम है क्योंकि उनको पूरी फैमिली से नॉमिनेशन लेनी है अपनी और उनकी फैमिली में उनका सगा भाई अहमद जो है प्रिंस अहमद वो भी उनके मुखालिफ है और आ, प्रिंस नाइफ जो हैं उनको तो अरेस्ट भी किया इसी वजह से क्योंकि प्रिंस नाइफ पहले वलीद थे और वो काफ़ी लोग समझते हैं सऊदीया में कि वही असल हकदार हैं अब जमाल खुशोगी जो है जमाल खुशोगी का मसला री ओपन होगा अमेरिकन कोर्ट्स में तो ऑलरेडी रजिस्टर हो गया है और ये वापस रीओपन होगा ह्यूमन राइट वाइलेशन जो हैं वो अब उनके केसेस जो हैं री ओपन होने वाले हैं खासतौर यमन के अंदर जो केमिकल अटैक्स हुए हैं वो अब ईरान जो है खुद पर सू करेगा इन केसेस को यूनाइटेड नेशंस में भी और और जगहों पे भी और यमन में जित जिस तरह से बच्चे और औरतें और उनको टारगेट किया गया स्कूल्स और हॉस्पिटल को जिस तरह टारगेट किया गया अब ये सारी सवियर एंड ग्रोस ह्यूमन राइट वायलेशन के अंदर आती हैं और इनको अब पता चलेगा उसका दो हज़ार चौदह से सऊदी अरेबिया ने सत्तर फीसद हथियार अपने अमरीका से खरीदे हैं और जो बाइडन की स्टेटमेंट के बाद अब वो शायद हथियारों की तरसील उनको इतनी आसान ना हो उनके स्पेयर पार्ट्स की तरसील इतनी आसान ना हो सऊदी इसके लिए एक बहुत सीरियस लम्हे फिक्रियाँ लगता यह है कि एम बी एस जो है वो तनहा हो गए हैं ट्रंप के बाद ईरान के साथ दोबारा डील होनी है कि नहीं जो बाइडन की मुझे लगता है कि ईरान को कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन जरूर मिलेगी और जो यू एस ईरान न्यूक्लियर डील है वो दोबारा से रिविज़िट होगी चाइना के साथ वो वाली एग्रेशन नहीं हमें नज़र आएगी ट्रेड के ऊपर ज़रूर बातें होंगी उसको कंट्रोल करने की ज़रूर बातें होंगी लेकिन जैसे काउंसलेट बंद कर देना डिप्लोमेट्स को अरेस्ट कर लेना दो दो लाख स्टूडेंट्स को वापस भेज देना इस तरह के रेडिकल स्टेप्स जो हैं वो नहीं होंगे इंडिया और पाकिस्तान में भी अब प्रॉब्लम है इंडिया जो है वो एक्सपेक्ट करेगा कि जी चाइना के ख़िलाफ़ हमें जंग में हमारा साथ दे ट्रंप की तरह जिस ट्रम्प दे रहा था तो मेरा नहीं ख्याल कि बाइडन उस तरह करेंगे लेकिन पाकिस्तान में भी क्योंकि डेमोक्रेट्स देम, ट्रडिशनली जो हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है तो ट्रडिशनली पाकिस्तान में भी अपोजिशन जो है वो काफ़ी उसको लगता है धचका लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट टॉपल करना अब इतना आसान नहीं होगा बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ क्या डोनाल्ड ट्रंप की टीम किस तरह का केस प्रिपेयर करती है और उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती है और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जजेस हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं द यूनट स्टेट्स ऑफ एंगजाइटी अब अमेरिका तो कहना ही बेकार है उसको बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एंग्जाइटी जो है स्टिल ऑन एंड ये टेंशन ख़त्म नहीं हुई अमेरिका को कम से कम अब ये समझ आ गई होगी कि दूसरे मुल्कों में हुकूमत गिराना और हुकूमत बदलना और सदर को बदलना और गिराना और वजी अजम को गिराना आसान है और अपने मुल्क में सदर तब्दील करना इतना आसान नहीं है। यो वॉचिंग वन यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन को प्रेस करें अंटिल द नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़